सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी मेरा एक लेक्चर अटेंड कर चुके हैं, ठीक है, एंड सम ऑफ आर न्यू एयर। सो पर्टिकुलर हम क्या करेंगे आज, लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किए, पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा। लास्ट लेक्चर में मैंने फिजिक्स के थोड़े से डिटेल्स दिए कि फिजिक्स में हमें कैसे कॉशियस रहना पड़ता है, कैसे रीडिंग्स में हमसे एरर हो सकती हैं, कैसे चीज़ें डिफरेंटली हम प्रिसाइजली मेजर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने थोड़ी सी डिस्कस की थी, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम पूरा एक्चुअल लेक्चर देखेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल फिजिक्स में किस तरीके से चीज़ें हमें डिस्कस करनी है, ठीक है। तो कल जो हमने देखा था, मतलब लास्ट लेक्चर में जो देखा था, वो बेसिक्स था, ठीक है। अभी हम आज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का, क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर। चैप्टर का नेम है यूनिट डायमेंशंस एंड मेजरमेंट्स, ठीक है। यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट्स मतलब हम इस चैप्टर में यूनिट्स तो बहुत ही सिंपल सा सिनेरियो है, मैंने कल थोड़ा सा बेस दिया था हिंट। मेन पोर्शन है जो फर्स्ट टाइम आप सुनेंगे और जो कि नया है आपके लिए, वो है डायमेंशंस, ठीक है। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट्स के बारे में, ठीक है। मेजरमेंट्स का लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ ब्रीफिंग दिया था, बट हम पूरा फाइनल जब करेंगे तो फिर प्रॉपरली डिस्कस करेंगे इसे, ठीक है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर किसी स्टूडेंट को बीच में विद इन द लेक्चर कुछ भी डाउट होता है, तो लाइव क्लास है, इसका बेनिफिट ये होता है कि आप बीच में ही अपने आप को अनम्यूट करें और आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ तो आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है, दो चीजें। तीसरा, ड्यूरिंग द लेक्चर आप रेज हैंड बटन भी यूज कर सकते हैं, अगर आपको बीच में कुछ डाउट है मैं आपको फिर नेम करके पूछ लूंगा, ठीक है। चले तो स्टार्ट कर लेते हैं लेक्चर। तो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर जो है वो है हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट्स, ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट्स। और इसमें मैं जो मेन पोर्शन बता रहा हूँ वो क्या है, डायमेंशंस, ठीक है। सो यूनिट मेजरमेंट्स एंड डायमेंशंस के बारे में हमें डिस्कस करना है, ठीक। तो फर्स्ट वर्ड जो फर्स्ट हमारा स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है फिजिकल क्वांटिटीज से, फिजिकल क्वांटिटीज, क्योंकि हम फिजिक्स में सिर्फ डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, क्लियर। तो फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में अगर हमें डिस्कस करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट सिनेरियो क्या है वो पहले हम समझेंगे, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज को लेके। तो देखें, फिजिकल क्वांटिटीज है क्या, एक ऐसी क्वांटिटीज विच कैन बी डिस्क्राइब बाई द लॉज ऑफ फिजिक्स एंड वी कैन ऑल्सो मेजर देम, ठीक है। मतलब कि एक पर्टिकुलर वैल्यू होनी चाहिए उसकी जिसे हम कैलकुलेट कर सके, और वो कुछ लॉज ऑफ फिजिक्स भी फॉलो करना चाहिए, दो चीजें हमने बोली हैं। इसका मतलब ये, सपोज मैं आपसे पूछूं क्या कि लेट से आपके माइंड में कुछ आइडियाज हैं, तो क्या आइडियाज फिजिकल क्वांटिटी होंगे क्या, नहीं। नंबर वन, आइडियाज बहुत एब्रप्ट हो सकते हैं, रैंडम हो सकते हैं, तो वो फिजिक्स के लॉज भी नहीं फॉलो करेंगे, और आप आइडिया को ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते हो न्यूमेरिकल वैल्यू में कि यार 10 आइडिया 20 आइडिया क्या है वो चीज। तो एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। सपोज मैंने पूछा व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ रूम, ठीक है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ योर रूम। तो इसको आंसर करने के लिए आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि लेट्स से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है यहाँ का, ठीक। तो ये जो टेम्परेचर है, ये जो टेम्परेचर एक क्वांटिटी है, ये हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं और इसकी एक फिक्स वैल्यू भी है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज में इसको रखते हैं, ठीक है, क्लियर। तो दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें कि फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप की होती हैं, तो फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप की होती हैं, एक होता है फंडामेंटल, एक होता है डिराइव्ड। अब समझना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, फंडामेंटल और डिराइव्ड में क्या डिफरेंस है। तो बहुत ही स्ट्रेट है, समझे। सपोज अगर मुझे स्पीड के बारे में चाहिए डिस्कशन, तो सबको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो अगर मैं ये देखूं कि यार स्पीड तो डिस्टेंस और टाइम की हेल्प लेके बना हुआ है, ठीक है, ओके। बट अगर मैं पूछूं कि टाइम किसकी हेल्प लेके बनाया है आपने, तो यार टाइम का तो कोई ऐसा हेल्प लेके नहीं बनाया हुआ है। वैसे ही डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस का भी ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि डिस्टेंस कहाँ से हमने डिराइव किया है। तो इसका मतलब ये है कि वो सारी क्वांटिटीज जिन जो किसी अदर क्वांटिटीज के हेल्प से नहीं बनी, ठीक है, तो वो सारी क्वांटिटीज को हमने एज्यूम करके क्या कंसिडर कर लिया है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज आर बेसिक क्वांटिटीज जो हमने एज्यूम कर ली है। तो टोटल कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है टोटल हमारे में, ठीक है,
सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं एंड द रेस्ट आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। मतलब डिराइव्ड क्वांटिटीज का मतलब क्या है कि आप विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल उनको आप बना सकते हो। डिराइव्ड क्वांटिटीज का मतलब क्या है, विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल आप उनको बना सकते हो। तो इसका मतलब स्पीड क्या हो जाएगा, एक डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगा। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं आपको उनके नेम्स याद रखने हैं, ऑल सेवन। मैंने पहले भी बताया ये ऑल सेवन नेम्स आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं यूनिट्स की। तो यूनिट क्या है, मैंने बताया कि यूनिट एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है जिसके थ्रू हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। मतलब यूनिट एक रेफरेंस है जिसके थ्रू हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रेफरेंस मेजर करते हैं। तो जैसे मास को हम मेजर करते हैं तो हम यूज कर लेते हैं केजी, लेंथ को मेजर करते हैं तो यूज कर लेते हैं मीटर। तो ये रेफरेंस है कि लेंथ हम किसमें बताएंगे, सपोज 20 मीटर, तो वो हो जाएगा हमारा क्या, यूनिट। टाइम को बताएंगे सेकेंड में। तो इस तरीके से हमारे पास सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। तो नंबर वन है मास, देन लेंथ, देन टाइम, देन टेम्परेचर, देन करंट, सिक्स वन इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड सेवेंथ वन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, सो टोटल हम पे सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। फिर मैंने बताया था कि यार ये फंडामेंटल क्वांटिटीज को बनाया कब था, तो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कमेटी थी। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कमेटी, उन्होंने क्या किया, सिक्स फंडामेंटल क्वांटिटीज पहले बनाई। तो ये जो आप सिक्स यहाँ पर देख रहे हैं, 1 to 6, ये इनिशियल फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। ओके, फिर 1997 में एक और फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐड हुई सेवेंथ नंबर की, जिसका नेम क्या था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, सो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 1997 में ऐड हुई, सॉरी 1971 में ऐड हुई। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है मोल। डन, तो ये जो क्वांटिटीज हैं, तो अब टोटल हमारे पे फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी हो जाती हैं, सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज हो जाती हैं। ठीक है, तो सब लोग को ये नेम याद रखने हैं, क्यों, क्योंकि अगर आप फिजिक्स में देखोगे तो ऑलमोस्ट 750 फंडामेंटल क्वांटिटीज, सॉरी 750 क्वांटिटीज होती हैं फिजिकल। वो सारी क्वांटिटीज कहीं ना कहीं से लिंक होके किन सेवन से बेस्ड होती हैं, ये सेवन जो मैंने यहाँ पर लिखी हैं, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड रिसेंटली एडेड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ओके, अब सबके यूनिट की भी बात कर लेते हैं। मास का यूनिट केजी, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर का यूनिट आप सुनते हैं डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस भी यूनिट है, बट स्टैंडर्ड जो एसआई यूनिट है इंटरनेशनल कमेटी से जो एक्सेप्टेड है, तो वो है केल्विन। ठीक है, बाकी अपने अपने कंट्रीज में सब लोग अलग यूज करते हैं, जैसे यूएस बहुत ज्यादा फारेनहाइट में यूज करता है और इंडिया बहुत ज्यादा डिग्री सेल्सियस में यूज करता है। फिर करंट का यूनिट ए मतलब एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, मैंने बताया कि कोई भी फ्लेम जब बर्न हो रही होती है तो उससे कितनी लाइट आ रही है, उस लाइट की इंटेंसिटी को बोलते हैं हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन था फंडामेंटल क्वांटिटीज को लेके। इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो बताएं, पूछें। ओके, तो हम नेक्स्ट सेटअप पे डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत ही रिसेंट क्राइटेरिया है, क्या, डायमेंशन। अब देखिए डायमेंशन का मतलब क्या है, यहाँ पे डायमेंशन का मतलब वो नहीं है 2D, 3D, 4D डायमेंशन, वो नहीं है। यहाँ डायमेंशन का मतलब है एक रिप्रेजेंटेशन। मतलब क्या रिप्रेजेंटेशन, तो जब कंप्यूटर एल्गोरिदम की बारी आई, कंप्यूटर में आप देखते हैं सारी चीजें सेव जब की जाती है, एल्गोरिदम रन कराते हैं, तो उसमें एक थॉट आया कि आप ये बार बार मास यूज करेंगे तो प्रॉब्लम होगा, मतलब पूरा ये लेटर वाइज तो काफी बड़ा होगा। तो हमने कहा कि यार मास को एक रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं। तो अगर मास को रिप्रेजेंटेशन दिया केजी, तो बेटा मास के तो बहुत सारे वेरिएंट हो सकते हैं ना, केजी हो सकता है, ग्राम हो सकता है, क्विंटल हो सकता है, टन हो सकता है, ऐसे बहुत सारे, मेगा टन, मीट्रिक टन, आपने इस तरीके के वर्ड सुने हैं। तो मतलब मास को मेजर करने के तो बहुत सारे यूनिट है, तो हमने एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन यूज किया एल्गोरिदम्स में जो काम आ सकता है, जो कि हमेशा फिक्स होगा। तो वो हमने यूनिक रिप्रेजेंटेशन जो लिया उसको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशंस। ठीक है, तो डायमेंशंस आर नथिंग, दे आर जस्ट सम लेटर्स यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर क्वांटिटीज। क्लियर,
तो वो लेटर्स आपको याद होने चाहिए। अब अच्छी बात यह है कि कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, तो ये सारे लेटर्स को हम किस में रखते हैं, कैपिटल कैपिटल लेटर्स में रखते हैं और ये ब्रैकेट में क्लोज करते हैं इनको, ठीक है। तो अगर मैं मास की बात करूं तो इसका जो फर्स्ट लेटर है वो यूज होता है एज अ डायमेंशन। तो मास की डायमेंशन क्या है, कैपिटल एम। लेंथ की डायमेंशन क्या है, कैपिटल एल। टाइम की डायमेंशन क्या है, कैपिटल टी। ओके, अब बात करते हैं टेम्परेचर में। तो आप देखिए टेम्परेचर में मैंने दो लिखे हुए हैं। दो क्यों लिखे हुए हैं, क्योंकि जो HSC बोर्ड की बुक्स हैं, ठीक है, वो कुछ बुक्स हैं वो थीटा लिखती हैं, लेकिन NCERT क्या लिखता है, K लिखता है। अब आप समझे थीटा और के क्यों लिखते हैं, के हो गया केल्विन के लिए, के किसके लिए बेटा, केल्विन के लिए, और थीटा को रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि काफी सारी जगह हम क्या करते हैं, थीटा को एज ए एंगल यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो थीटा रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बट बिकॉज HSC बोर्ड थीटा यूज करता है इसलिए हम भी थीटा यूज करेंगे। बट जब आप NCERT देखोगे तो NCERT में के यूज किया। अच्छा सही और गलत क्या है, कुछ स्टूडेंट सोचने लग जाते हैं ना, अरे सर तो फिर सही क्या होगा, बेटा दोनों ही सही हैं। आप जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, इधर के दिखेगा या फिर थीटा दिखेगा। ओके, सेम करंट के साथ है, सेम चीज किसके साथ है, करंट के साथ है। करंट का यूनिट क्या होता है बेटा, एम्पियर। लेकिन करंट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आई से, कैपिटल आई से या स्मॉल आई से, दोनों से। तो इसलिए हम करंट के भी दो तरीके यूज करते हैं, इधर आई यूज करते हैं या फिर ए यूज करते हैं। हम जब स्टडी करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे, ठीक है। तो दोनों ही करेक्ट आंसर, इधर आप आई यूज करो या ए यूज करो, बट हम पर्टिकुलरली क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे। फिर बात आती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका यूनिट क्या होता है, कैंडेला। इसको लिखते क्या है, CAD से, कैंडेला। तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे CAD, ये हो जाएगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। सेम चीज मोल का हो जाएगा MOL, ठीक है, मोल का डायमेंशन क्या हो जाएगा, MOL। अब बात करते हैं कि ये जो कैंडेला और ये मोल है, ये आपका भी 11th के सिलेबस में आता नहीं है। 11th में यूजुअली जो है स्टार्टिंग के 4 to 5 डायमेंशन ही देखते हैं, बाकी बाद में हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 7th ही फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब बात करते हैं कि यार जब फंडामेंटल क्वांटिटीज डिसाइड हुई तो उनके साथ हमने एक सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज भी डाल दी, क्यों, क्योंकि ये एज अ सप्लीमेंट्री आती हैं। दोनों चीजें क्या, एंगल, एक होता है प्लेन एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल। अब दोनों में डिफरेंस समझे, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। ये दो सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो अगर कोई पूछेगा कि बेटा कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज है, तो आंसर में आपको 7 ही करना है। ये मत कर देना कि सर 7 + 2 = 9 हो जाएगा, नहीं, ओनली की 7 क्वांटिटीज, 7 फंडामेंटल ओनली। ये दो को हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। अच्छा एंगल का यूनिट सबको पता है डिग्री, बट वो डिग्री SI यूनिट नहीं है, SI यूनिट क्या है, रेडियन, ठीक है, SI यूनिट है रेडियन। और ये क्या होगा, स्टे रेडियन, क्लियर। तो एक यूनिट है SI यूनिट रेडियन और एक है स्टे रेडियन, ठीक है। फिर बात करते हैं डायमेंशंस की। तो यार एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती, ये गलत लिखा हुआ है, ये यूनिट का शॉर्ट फॉर्म लिख लिया हुआ है। रेडियन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियन को हम रिप्रेजेंट करते हैं RAD से, ठीक है, और स्टे रेडियन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, STR से, ठीक है। बट डायमेंशन वाइज इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो यहां पर हम देखेंगे क्या, एंगल इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि एंगल एक ऐसी चीज है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, बट उसका यूनिट होता है, यूनिट क्या होता है, रेडियन और स्टे रेडियन। तो एक बात पता चलती है क्या, कि जैसे मैंने बताया कि आप फंडामेंटल क्वांटिटीज का जो डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन है वो आप याद रखेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज का डायमेंशन। बट एक चीज जरूर याद रखेंगे कि बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी हो सकती हैं कि जिनका यूनिट होगा बट डायमेंशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि डायमेंशन एक कैलकुलेशन है। डायमेंशन क्या है, कैलकुलेशन है। तो हो सकता है उसकी कैलकुलेशन नील आ जाए, जीरो आ जाए, लेकिन यूनिट तो जीरो नहीं कर सकते ना, यूनिट तो कुछ रिप्रेजेंटेशन रहेगा। तो वैसे ही हम एंगल की बात करें तो एंगल का यूनिट तो रहता है रेडियन और स्टे रेडियन, लेकिन डायमेंशन नहीं होती है। तो एंगल की कोई भी डायमेंशन नहीं होती, एंगल की डायमेंशन नील होती है, ठीक है। अच्छा तो इसलिए हमने एंगल को क्या किया है, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज में ऐड किया है।
अब कुछ स्टूडेंट ऑलरेडी जानते होंगे कि यार ये प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या होता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे जस्ट आपको डिस्क्राइब करने का ट्राई करता हूँ कि यार प्लेन एंगल क्या होता है। सपोज ये एक पॉइंट है, यहाँ पर देखें, ये एक पॉइंट है और यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ पर एक लाइन है। तो जब ये पॉइंट, मैं बोलूंगा कि ये लाइन इस पॉइंट पे कितना एंगल बना रही है, तो आपको ये पॉइंट पता है। और लेट से मैंने दो लाइंस ड्रॉ की, एक लाइन ये और एक लाइन ये, ठीक है, कि दोनों लाइंस का इन दोनों में डिस्कशन किया कि लाइन की वैल्यू कितनी होगी। तो इन दोनों लाइंस के बीच का ये जो एंगल आप मेजर कर सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टर से जो एंगल मेजर करेंगे, ये एंगल होता है हमारा प्लेन एंगल। मतलब जब एक लाइन किसी पॉइंट पे कितना एंगल बनाएगी वो, ठीक। अब सॉलिड एंगल की बात करें तो सॉलिड एंगल फील करने के लिए आप फील करें अपने सामने वॉल, ठीक है, या वॉल या अपने घर पे रूम पे जहां पर भी है वो वॉल। तो आप सोचो अगर आप वॉल की एक लाइन ले लो, तो लाइन से अगर आप देखो कि आपके आईज पे कितना एंगल बनेगा, तो लाइन से आपके आईज पे एंगल बनेगा एक ट्रायंगुलर एंगल, एक्यूट एंगल बनेगा या ऑब्ट्यूज एंगल बन सकता है, डिपेंड करेगा आपकी वॉल कितनी है। लेकिन अगर आप सोचो एक पूरी वॉल को देखो, तो पूरी वॉल मतलब पूरी पेरीमीटर आपके में एंगल बनाएगी ना, पूरी पेरीमीटर आपके में एक एंगल बनाएगी, उस एंगल को कोनिकल एंगल या फिर क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। तो जब एक कोई 2D का ऑब्जेक्ट एक लाइन एंगल बनाएगी तो उसे प्लेन एंगल बोलते हैं, जब एक 3D का कोई ऑब्जेक्ट बनाता है तो उसे पूरा कौन सा एंगल बोलते हैं, उसे हम सॉलिड एंगल बोलते हैं या फिर कोनिकल एंगल बोलते हैं, ठीक है। चले हम वापस आते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने बात की डेराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में, तो डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या है, विच आर जनरेटेड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया हुआ था क्या, कि डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या है, डेराइव्ड क्वांटिटीज विच आर जनरेटेड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे कि स्पीड, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो यार ये देखे कि जब हम डायमेंशन एनालिसिस कर रहे होते हैं, कुछ भी डायमेंशन निकाल रहे होते हैं, तो वो जो नंबर होते हैं कांस्टेंट नंबर होते हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, सबको पता है, 1/2 इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। तो वो जो 1/2 है वो तो एक न्यूमेरिकल नंबर है ना, तो न्यूमेरिकल नंबर की कोई भी डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है। उसी तरीके से जैसे हमने बात किया एंगल थीटा एंगल, तो एंगल की भी कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो मैथ में हम कुछ चीजें पढ़ते हैं बेटा, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, ये सब पढ़ते हैं ना, थीटा ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा कॉस थीटा, ये जो थीटा हम सारे पढ़ते हैं, इनकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो इसका मतलब आपको याद रखना है कि डायमेंशन सिर्फ किनकी होती है, फिजिकल क्वांटिटीज की होती है। ये जो एंगल साइन थीटा कॉस थीटा और ये जो नंबर्स हैं, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। चले तो हम डायमेंशन निकालने पे फोकस करते हैं। मैं चाहता हूँ सब लोग यहाँ पर फोकस करें और ध्यान देंगे डायमेंशन कैसे निकालते हैं, कैसे लिखते हैं, सब सुनेंगे। देखें प्रेशर बाद में, पहले हम निकालते हैं लेट से स्पीड। सबसे पहले मैं स्पीड की डायमेंशन निकालना चाहते हैं, सब लोग सुनेंगे। पहले तो आपको पता होना चाहिए इधर उस क्वांटिटी का यूनिट पता होना चाहिए या फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब डिस्टेंस मतलब लेंथ अपॉन क्या होगा टाइम। ये किसका यूनिट है, ये स्पीड के बारे में है कि यार ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। फील करना है आपको कि डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है, लेंथ की डायमेंशन, तो लेंथ को लिखते हैं एल से, डन। अपॉन टाइम की डायमेंशन, तो टाइम की डायमेंशन क्या होती है, टी। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि इस क्वेश्चन का स्पीड की डायमेंशन होगी एल अपॉन कैपिटल टी, ठीक है, एल अपॉन कैपिटल टी। अब यहाँ पे समझना है सब लोग को कि यार हम इन्हें ब्रैकेट्स में रखते हैं, कैपिटल ब्रैकेट्स में, क्या एल अपॉन टी। अब समझे कि एक रिप्रेजेंटेशन होता है लिखने का, कि डायमेंशन यूजुअली जब लिखी जाती है तो तीन लोगों को लिखा जाता है, एम को भी एल को भी टी को भी, और तीनों को साथ में ही लिखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब बताओ क्या यहाँ पे मास का डिस्कशन हुआ क्या स्पीड में, नहीं। तो जब मास का डिस्कशन नहीं हुआ तो हम m टू दी पावर क्या लिख देते हैं, जीरो। समझ आया, तो जब मास का डिस्कशन ही नहीं हुआ तो हम क्या लिख देते हैं डायमेंशन, m टू दी पावर जीरो। क्यों, क्योंकि किसी भी पावर में जीरो लग गया मतलब वो नंबर नहीं है, ठीक है, वो नंबर, ठीक। उसके बाद l टू दी पावर कितना है, वन,
एल टू दी पावर है वन, तो यहाँ पर देखिए एम टू दी पावर जीरो एल टू दी पावर वन। अच्छा ये टी क्या है, टी पे भी पावर वन है बट हमें ये अभी डिनोमिनेटर में है ना, हमें डिनोमिनेटर में नहीं लिखना, हमें किस में लिखना होता है इसे, न्यूमरेटर में। तो अगर आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी पावर जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाती है तो वो निगेटिव हो जाती है, तो नीचे इसकी पावर पॉजिटिव टी थी, ऊपर जाके क्या हो गई माइनस वन, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी एम जीरो एल पे वन और टी पे माइनस वन। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया, मैं एक और डायमेंशन आपको सॉल्व करके बताता हूँ तो आप ध्यान देंगे। लेट्स से हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। ठीक है, तो बात कर लेते हैं, तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मीटर मतलब एम मत लिख देना यार, मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, तो लेंथ पे पावर कितनी है वन, तो यहाँ पर हो गया लेंथ पे पावर वन। सबको समझ आ रहा है ना, लेंथ पे पावर वन डिवाइड बाई क्या है सेकेंड, डिवाइड बाई है सेकेंड बट सेकेंड का स्क्वायर। अब मैंने बताया ना कि अगर कोई चीज डिवाइड में है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर डिवाइड में, तो पावर ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी ना, तो इसका मतलब सेकेंड की पावर क्या हो जाएगी माइनस टू। क्लियर, मीटर पर क्यूब है ना, ये आप बना सकते हो माइनस टू हो जाएगा, केजी मीटर माइनस क्यूब। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड ऊपर चला जाएगा माइनस हो जाएगा। अब हम कुछ और यूनिट्स का देख लेते हैं, लेट्स से डेंसिटी की बात करते हैं। तो डेंसिटी आपको पता होगा, किसी को अभी कोई डाउट है तो बता दे, अभी जब हमने स्पीड डिस्कस किया तो उसे स्पीड का डायमेंशन लिखना आ गया ना, एक्सेलरेशन लिखा था एक्सेलरेशन का डायमेंशन। हाँ पूछे सर, व्हाई वी कंसीडर एम देयर इन एक्सेलरेशन डायमेंशन। ओके, व्हाई वी कंसीडर दिस एम, यस यस, ओके, सो आई ऑलरेडी टोल्ड ना कि फॉर द डायमेंशन इज सॉर्ट ऑफ कोडिंग पर्पस। ठीक है, सो इन कोडिंग पर्पस इधर यू कैन शो कि देयर इज नो एम। ठीक है, बट वो कंप्यूटर के लिए थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग पॉइंट हो जाएगा कि आपने लिखा ही नहीं एम, बट इट्स बेटर कि आप सारे लेटर्स लिख के रखो बट विच आर नॉट अवेलेबल उनके पावर क्या कर दो जीरो। ठीक है, तो एनी नंबर टू द पावर जीरो मीन्स दिस नंबर इज नॉट हेयर। ठीक है, बट बिकॉज दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन, आप चाहे तो आंसर ये भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आप सिर्फ लिख सकते हैं एल टी टू दी पावर माइनस टू, एम को हटा सकते हो, बट इन समटाइम्स आपको एम लिखना पड़ता है, तो एम टू दी पावर क्या होगा जीरो। अच्छा मैं बताऊं, ये जो सेटअप है ये ट्रिक करने के काम आता है, अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो कई बार हो जाता है कि आपको एम लिखा हुआ मिलता है सारे ऑप्शंस में। अब आप सोचते हो यार सर एक्सेलरेशन में तो एम होगा ही नहीं, तो एक्सेलरेशन में अगर एम होगा ही नहीं, ठीक है, एक्सेलरेशन में अगर एम नहीं है तो एम टू दी पावर जीरो आप वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो। ठीक है, सपोज मैं डेंसिटी से पहले फोर्स कैलकुलेट करना चाहता हूँ, ठीक है, हमें पता है एक्सेलरेशन पता है स्पीड पता है, अब हम फोर्स की डायमेंशन जानना चाहते हैं, तो कोई स्टूडेंट आंसर करे फोर्स की डायमेंशन क्या हो जाएगी। ओके, फोर्स तो देखिए क्या हो जाता है, फोर्स हो जाता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये दोनों यूनिट आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट क्या है केजी और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप देखते हैं ना जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जी की वैल्यू 9.8 इनटू 10 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यूनिट फोकस करना है, तो ये केजी मतलब मास आ गया ना, तो अब देखो इस फॉर्मूले में मास पे भी पावर वन आ जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा एम टू दी पावर वन एल टू दी पावर वन और ये जो अपॉन का सेकंड स्क्वायर है ये ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगी माइनस टू। ठीक है, तो एम टू दी पावर वन एल टू दी पावर वन टी टू दी पावर माइनस टू। अब यार एक बेसिक समझना, क्या टू दी पावर वन लिखने की जरूरत होती है क्या कभी, अगर मैंने लिखा हुआ 10 तो 10 टू दी पावर वन तो ऑलरेडी है वो, ठीक है, अगर मैंने स्क्वायर लिख दिया तो वो 100 बन जाएगा, तो कभी कभी ये होता है कि ये जो पावर वन है ये लिखी भी नहीं जाती है, मतलब आपको सिर्फ ऑप्शन में दिखेगा क्या एम एल टी माइनस टू, आपको ऑप्शन में दिखेगा एम एल टी माइनस टू। ठीक है, तो समझ जाना है कि मतलब पावर वन है अगर सिंपल लिखा हुआ। बट लेट्स से मैंने एक नया क्वेश्चन दिया कि
कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और आप सोचने लग गए अरे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, क्या होगा? तो बेटा सिंपल है, डायमेंशन की खास बात क्या है, इट इज अ यूनिक एंटिटी। यूनिक एंटिटी का मतलब ये है कि अगर एक टाइप का फोर्स है तो हर टाइप के फोर्स को आप न्यूटन से, तो मतलब न्यूटन से ही कैलकुलेट करेंगे। तो जितने भी ऑब्जेक्ट जिनकी यूनिट सेम होती है उनकी डायमेंशन भी क्या आएगी, सेम ही आएगी। तो अगर मैंने क्वेश्चन पूछा है कि यार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताओ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की भी डायमेंशन क्या हो जाएगी, यही, क्लियर, एम एल टी माइनस टू, क्लियर, ठीक है, ओके। तो ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस विल हैव द सेम डायमेंशन, एम एल टी माइनस टू। तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा याद रखें, क्यों, क्योंकि फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, फोर्स है। तो मैं चाहता हूं कि सारे स्टूडेंट फोर्स की डायमेंशन को लर्न कर ले। बाकी डायमेंशन सिंपल है, फोर्स है क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो उसकी डायमेंशन क्या होगी, एम एल टी माइनस टू, आई रिपीट, सब लोग याद रखेंगे, एम एल टी माइनस टू। चले, फिर मैंने बताया था कि एक डायमेंशन मैंने यहाँ पे छोड़ दिया अभी, क्या, डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी के बारे में अब देखेंगे सब लोग। डेंसिटी का यार फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, तो फिजिक्स में अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो फिर डायमेंशन नहीं निकाल पाओगे। तो क्या हो जाएगा डायमेंशन, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम, सबको पता होना चाहिए। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास का यूनिट केजी, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब। अब सिंपल है, केजी मतलब एम, केजी मतलब एम, ठीक है, मास, सॉरी, ये एम मतलब मीटर, मीटर का क्यूब, बट ये नीचे है ना, तो ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, पावर नेगेटिव हो जाएगी, मतलब पावर माइनस थ्री। अच्छा, टी, टी है क्या क्वेश्चन में, नहीं, टी तो है ही नहीं, तो टी टू दी पावर क्या लिखेंगे, जीरो। तो इसका मतलब डेंसिटी की डायमेंशन क्या हो जाएगी। अच्छा, डायमेंशन में आप लोग एम पहले लिखा करें तो बेटर रहेगा। तो लेट से डायमेंशन क्या हो जाएगी, एम एल माइनस थ्री टी पावर जीरो, या टी बोले ही नहीं तो बन जाएगी क्या, एम एल माइनस थ्री, ठीक है, ओके। तो फिर मैंने बताया कि सबसे टॉप पे अगर हम देखें तो एक और डायमेंशन है प्रेशर। तो प्रेशर का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए तो काम बन जाएगा। प्रेशर का फॉर्मूला पता होगा आपको, फोर्स अपॉन एरिया। इसलिए मैंने कहा था कि फोर्स का डायमेंशन आप लोग याद रखो। तो चलते हैं फोर्स के डायमेंशन में, हम चलते हैं। फोर्स का डायमेंशन हमने कितना निकाला था, हमने निकाला है एम एल टी माइनस टू। अब हमें क्या करना है, प्रेशर मतलब फोर्स अपॉन एरिया, तो एरिया का डिवाइड करना है। अब यार एरिया का यूनिट क्या होता है, तो एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ, मतलब दोनों लेंथ ही है, तो क्या हो जाएगा, एरिया का यूनिट लेंथ स्क्वायर। तो लेंथ स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, उसका मतलब एल स्क्वायर। तो सोचो आप इसमें एल एम टी माइनस टू में किसका डिवाइड कर देने वाले हैं, आप यहाँ पर एल स्क्वायर का डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ओके। आपने एल स्क्वायर का अगर यहाँ पर डिवाइड किया तो एक एल कैंसिल आउट हो जाएगा ना, मतलब एल कहां पर बचेगा, नीचे बचेगा एल। तो अगर आप एल नीचे बचा है और आप ऊपर लेके उसे जाओगे, तो मैंने बताया ना कि अगर नीचे की पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां पर देखें प्रेशर की डायमेंशन क्या आती है, फाइनली फाइनली प्रेशर की डायमेंशन आती है एल टू दी पावर माइनस वन एम और टी पावर माइनस टू। तो इस तरीके से हम डायमेंशन निकालते हैं, ठीक। तो डायमेंशन मतलब क्या है, इधर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए या यूनिट पता होना चाहिए, फिर आप वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है, ओके। तो मैं चाहता हूं सारे स्टूडेंट वर्क का डायमेंशन निकाल के बताएं मुझे, सारे स्टूडेंट वर्क का डायमेंशन निकाल के बताएं, और मैं पर्टिकुलर स्टूडेंट से पूछूंगा वर्क का डायमेंशन कितना होगा। अच्छा, कन्वर्सेशन में कभी मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो आप चैट बॉक्स में भी आप आंसर कर सकते हैं, जिसका आंसर आ जाए, ठीक है। तो मैं चाहता हूं आप लोग वर्क का डायमेंशन बताएं। यार वर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर फॉर्मूला नहीं पता तो फिर यार प्रॉब्लम, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वेरी गुड। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अब सॉल्व करके तुरंत बता दें। सर बोल रहे हैं क्या, चैट में डाल रहे हैं, नहीं चैट में डालें, जब भी कभी मैं ऐसे सारे क्राउड से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ
अगर आप लोगों ने किसी एक स्टूडेंट ने आंसर कर दिए तो बाकी लोग फिर सॉल्व करना बंद कर देंगे ना कि अरे ठीक है आंसर तो आ गया ना. तो अगर कोई क्वेश्चन पर्टिकुलर है तो आप टाइप करके लिख सकते हैं. ओके वेरी गुड. जिया करेक्ट आंसर. समर्थ करेक्ट आंसर. वेरी गुड. अनीश नॉट करेक्ट आंसर. ट्राई अगेन प्लीज. साईराज करेक्ट आंसर. अर्जुन करेक्ट आंसर. ओके गुड गुड. आर्यन करेक्ट आंसर. ओके गुड. ओके वेरी गुड. ठीक है चले काफी स्टूडेंट्स ने सॉल्व कर लिया. वेरी गुड. ठीक है तो हम बात कर लेते हैं कि वर्क का क्या होता है यूनिट. ठीक है चले तो वर्क के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं. वर्क का क्या हो जाएगा अगर हम बात करें तो फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए था. वर्क का फॉर्मूला क्या होता है. फोर्स इंटू डिस्टेंस. क्या होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस. क्लियर. तो फोर्स इंटू डिस्टेंस का क्या हो जाएगा. फोर्स का हमें पता है ना. मैंने बताया फोर्स का याद रखो क्या है. एम एल टी माइनस टू. एम वन टी एल वन टी माइनस टू. अब सोचो आप इसमें आप क्या करो मल्टीप्लाई कर दो. किस चीज का. एल का. तो फोर्स इंटू जब आप डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करोगे तो एल और एल का मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा. एल स्क्वायर. तो आंसर क्या आ जाएगा. एम एल स्क्वायर टी माइनस टू. ठीक है तो बहुत अच्छी बात है. आई गेस मतलब 15 प्लस स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर दिया है. कुछ स्टूडेंट्स ने गलत आंसर दिया है. थोड़ा सा ध्यान देंगे. ठीक है अच्छे से सॉल्व करें. अच्छा एक और चीज. अभी काफी सारे स्टूडेंट्स हैं दे आर यूजिंग डिवाइस नेम्स लाइक सैमसंग A7 ये सब. तो इट्स बेटर कि थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें. पार्टिसिपेंट सेक्शन में जाकर आप एडिट कर सकते हैं. ठीक है पार्टिसिपेंट सेक्शन में जाके आप नेम एडिट कर सकते हो अपना. तो जो डिवाइस नेम है वो आप एडिट करके अपना स्टूडेंट नेम डाल दें तो बेटर रहेगा हमें एक अंडरस्टैंडिंग के लिए. ठीक है चलिए ओके गुड आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी. एवरीवन फाइंड द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी. एवरीवन स्टार्ट सॉल्विंग द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ओके तो फिजिक्स में ये ध्यान देना पड़ेगा आपको. फॉर्मूला पता रहना चाहिए तभी आप कर पाओगे बहुत अच्छे से. ओके आर्य सूर्यवंशी. वेरी गुड. करेक्ट है. आदित्य करेक्ट आंसर है यार. वेरी गुड. सिर्फ फॉर्मूला नहीं लिखना. कुछ लोग फॉर्मूला लिख के भेज रहे हैं. डायमेंशन लिखनी है. डायमेंशन लिख के भेजना है. ओके समर्थ करेक्ट आंसर. गुड. जय करेक्ट आंसर. ओके गुड. आयुष ओके करेक्ट आंसर. ठीक है आई गेस बहुत सारे स्टूडेंट्स को करेक्ट आंसर आ गया. तो बेटा काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या पता होना चाहिए था. फॉर्मूला पता होना चाहिए था. तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला. विश्वराज नॉट करेक्ट आंसर. ध्रुव नॉट करेक्ट आंसर. ओके चले हम सुनते हैं फिर. ओके काफी सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा है करेक्ट आंसर से आया. काफी सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है. लेट्स सी चले देखें.
तो बेटा सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो बहुत सारे आंसर्स को अगर मैं एनालाइज करूं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डायमेंशन के आगे 1/2 लगा दिया है। काफी सारे आंसर्स करेक्ट है बट उन्होंने डायमेंशन के आगे लगा दिया 1/2। ठीक है तनिषा करेक्ट आंसर, ध्रुव ठीक है ओके। तो समझे बहुत सारे स्टूडेंट ने 1/2 लगा दिया है। मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया है आपको क्या कि जो फॉर्मूले में नंबर्स होते हैं उनका कोई डायमेंशन होता ही नहीं है, तो डायमेंशन में आप उनको कंसिडर भी नहीं करते हैं। समझ आया ना? तो सबको एक चीज ध्यान देनी है कि डायमेंशन में उन नंबर्स को कंसिडर भी नहीं करते हैं। तो 1/2 जिन लोगों ने लिखा है वो गलत है यार, 1/2 को लिखना भी नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, कुछ लोगों ने मुझे लिख के दिया है एम एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, तो डायमेंशन इस तरीके से नहीं लिखते हैं। ठीक है, एल अपॉन टी नहीं लिखते हैं क्योंकि सारी डायमेंशन स्ट्रेट ही लिखते हैं, तो जो भी अपॉन की पावर है वो आप नेगेटिव में लिख के ही लिखेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी का आंसर क्या है। करेक्ट करेक्ट आंसर है एम एल स्क्वायर एल टू टी माइनस टू, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये करेक्ट है, वेरी गुड। ठीक है, चले अब फाइंड करेंगे बेटा पोटेंशियल एनर्जी। सॉल्व करें सब, पोटेंशियल एनर्जी का निकालें। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए था, चलिए मैं बता देता हूं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ये होता है एम जी एच, एम जी एच में एम मास है, जी एक्सेलरेशन है और एच हाइट है। ठीक है, तो काफी सारे लोग आंसर देने लग गए, करेक्ट आंसर है सेम आंसर है। ठीक है, चले तो थोड़ा सा देख लेते हैं, समझे कि यहां पे आपको अब एक पैटर्न नोटिस करना है। काफी सारे स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। देखें अब आप लोग को पैटर्न नोट करना है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया। क्या ये याद है, यहां पर मैंने फिफ्थ नंबर में एक लाइन लिखी है, क्या ऑल टाइप ऑफ फोर्सेज हैज सेम डायमेंशन। क्यों? क्योंकि उन सबका एक ही यूनिट है, वो टाइप ही एक है फोर्स। तो उसी तरीके से क्वेश्चन होता है ऑल टाइप ऑफ एनर्जी हैज सेम डायमेंशन। ठीक है, तो ये पता है ना वर्क भी क्या है, एक एनर्जी है, वर्क इज अ सॉर्ट ऑफ एनर्जी। अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी, इट इज अ एनर्जी। अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी, तो इट इज अ एनर्जी। अगर मैं बात करूं हीट, तो हीट भी क्या है, एनर्जी है। तो अब कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, मैंने बोला हीट, अब आप डर जाओगे सर फॉर्मूला क्या होगा हीट का, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला सोचना ही नहीं है, हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। तो आंसर क्या होगा उसका, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। डन एवरी वन, हीट भी एक एनर्जी ही है, तो आंसर क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है ओके, तो ये यहां से हमने सीखा कि जो सेम टाइप की फिजिक्स में क्वांटिटीज होती हैं उन सब का आंसर क्या आता है, सेम आता है। ठीक है, अच्छा तो बेटा डायमेंशन दो तरीके से, दो तीन तरीके से पूछे जाती हैं, वो मैं पहले डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट मेथड क्या है, आपको एक नेम दे देगा और पूछेगा कि डायमेंशन बताओ। जैसे मैं बोलूं क्या बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या, डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो आपको सोचना ही नहीं है, आपको नहीं सोचना कि क्या पूछ लिया है, आपसे क्या पूछा है, एक टाइप की एनर्जी ना, तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्लियर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का भी यूनिट क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। क्लियर, क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो हर टाइप की पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट यही होगा। क्लियर, चलो फिर क्या आता है फिजिक्स में, आपको एक बार कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला दे देता है और पूछता है कि यार इस फॉर्मूले में से बताओ इस चीज की डायमेंशन। मतलब क्या, सपोज लेट्स से आपको एक फॉर्मूला दे दिया है, क्या दे दिया है, x इज इक्वल टू बी इंटू सी बाई डी, एक फॉर्मूला दे दिया। अब पूछा है इसमें c की डायमेंशन बताओ, क्या पूछा है क्वेश्चन, कि c की डायमेंशन बताओ, तो आपको बस मैथमेटिकल सॉल्व करना है, c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और b डिवाइड में चला जाएगा, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी x into d upon b। समझ आया, तो बस आपको इधर उधर घुमा देना है। तो अगर c की डायमेंशन पूछा है तो c को लेफ्ट में रखो, बाकी सबको ले जाओ, अब x की डायमेंशन लिखो, d की डायमेंशन लिखो, b की लिखो, सबकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये समझ में आया कि अगर फॉर्मूला दिया होगा तो किस तरीके से हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है,
अच्छा तो इसके बाद फिर से एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आप लोग आंसर करेंगे कि क्या सिनेरियो रहेगा, ठीक, ओके। तो ये याद है ग्रेविटेशन चैप्टर सबने पढ़ा ही होगा कि ग्रेविटेशन क्या रहता है, ठीक है, ग्रेविटेशन चैप्टर सबने पढ़ा है। तो क्वेश्चन है कि ग्रेविटेशन में जो कैपिटल जी होता है आपको उसकी डायमेंशन बतानी है, डन। तो क्वेश्चन है हमारा क्या कि ये ग्रेविटेशन में जो फॉर्मूला होता है फोर्स का, याद है ना ग्रेविटेशन में हमने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है, तो ग्रेविटेशन में जो फोर्स का फॉर्मूला होता है फिजिकल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, इसमें जो जी होता है इसका नाम क्या है, यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, आपको इसकी डायमेंशन फाइंड करनी है। चले सब लोग सॉल्व करें तुरंत, फाइंड द डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी। ओके वेरी गुड, आयुष पाटिल करेक्ट आंसर यार, समर्थ करेक्ट आंसर, ओम थोड़ा सा डिफरेंस है, नॉट एग्जैक्टली करेक्ट, आर्य करेक्ट आंसर, वेरी गुड, आदित्य नॉट करेक्ट आंसर, प्लीज रीचेक, विश्वराज नॉट करेक्ट आंसर, और आई एम आस्किंग फॉर द डायमेंशंस। आप कुछ स्टूडेंट्स फॉर्मूला लिख के बता रहे हैं, फॉर्मूले में डायमेंशन लिखनी होगी ना सबकी। तनिष्क नॉट करेक्ट आंसर, अनीशा नॉट, अनीश नॉट करेक्ट आंसर, जयेश ओके जयेश करेक्ट आंसर, यार अब तक आ जाना चाहिए, काफी सारे स्टूडेंट्स करेक्ट है, कुछ लोग इनकरेक्ट है यार, वो लोग जल्दी से रीचेक करें अपना। आर्यन करेक्ट आंसर, जय जय देसाई नॉट करेक्ट, नहीं ओके सॉरी जय करेक्ट आंसर, विश्वराज स्टिल नॉट करेक्ट, यार कुछ लोग फॉर्मूला लिख के भेज रहे हैं, मैं भी बता रहा हूं यार फॉर्मूला नहीं लिखना है आपको, डायमेंशन लिखनी है, डायमेंशन, फॉर्मूला नहीं लिखना है, डायमेंशन लिखनी है, ठीक है। चले देखते हैं यार सॉल्व करते हैं, देखें काफी सारे स्टूडेंट का करेक्ट है, चेक करते हैं। तो लेट से मैंने आपसे पूछा है कि यार जी की डायमेंशन, सब लोग फोकस करें अब, लेट से मैंने आपसे जी की डायमेंशन पूछी है, तो जी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, जी को रखो बाकी सब लोग को ले जाओ, तो ये आर डिवाइड में क्या होगा, मल्टीप्लाई में, और ये एम वन एम टू मल्टीप्लाई में ये आ जाएंगे डिवाइड में, तो आ गया एफ इन टू आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू। अच्छा कुछ स्टूडेंट अब क्या कर रहे हैं, मुझे यही लिख के भेज रहे हैं एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू, यार ये फॉर्मूला है, मैंने फॉर्मूला नहीं पूछा, मैंने डायमेंशन पूछी है, तो डायमेंशन क्या है, एक यूनिक प्रॉपर्टी है सबकी, तो हम बात कर लेते हैं पहले फोर्स की। मैंने बताया फोर्स का याद रखो यार, फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फोर्स क्या की डायमेंशन क्या है, फोर्स की डायमेंशन है m, m1 है, देन l1 है, ml और t माइनस टू है, ये हुई फोर्स की डायमेंशन, इनटू r, r क्या है बेटा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन m1 m2, ये दो डिफरेंट मास है,
बट मैंने बताया कि डायमेंशन एक यूनिक एंटिटी है, मतलब कोई किसी भी टाइप का मास हो क्या रहेगा, एम ही रहेगा। तो एम और एम दोनों मिलके इनटू करके क्या बन जाएंगे, एम स्क्वायर। तो एम इंटू एम की क्या हो जाएगी, एम स्क्वायर। अब देखो ये एल क्या है, इंटू में है ना, तो एल यहाँ पे वन है और यहाँ पे इंटू में टू है, तो पता है ना कि एल स्क्वायर और एल का मल्टीप्लाई करेंगे तो एल टू द पावर थ्री आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर एड अप होती है। तो टू प्लस वन क्या आ जाएगा, थ्री। तो एल पे थ्री, एम पे पावर माइनस वन, क्यों, क्योंकि ये एम स्क्वायर से एक एम कैंसिल आउट होगा, बचेगा कितना, नीचे बचेगा ना एक एम, वो ऊपर जाएगा तो माइनस वन। बहुत सारे स्टूडेंट ने ये एम गलत लिखा है, तो थोड़ा ध्यान दे, इंटू टी माइनस टू। तो ये आई गेस क्लियर होगा सबको, काफी लोग के आंसर सही थे, करेक्ट था, ठीक है। चले तो अब हम डिफरेंट एक क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो आपको सॉल्विंग करना आना चाहिए, डायमेंशन किसी भी टाइप में आपको दिख सकती है, ठीक है। चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपको करना है फाइंड द डायमेंशन ऑफ एक्स, ठीक है। आपको एक्स की डायमेंशन फाइंड करनी है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है टी इज इक्वल टू टू पाई रूट एक्स अपॉन, ये नाइन नहीं है, ये स्मॉल जी है, ठीक है, रूट एक्स अपॉन जी। तो आप लोग को पता होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि ये किस चीज का फॉर्मूला है, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। किसके, सिंपल पेंडुलम, जो एक पेंडुलम होता है उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। बट आपको इस फॉर्मूले से निकालना है कि एक्स की डायमेंशन क्या होगी। तो मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि ये जो टी लिखा है, इस टी का मतलब जो है वो क्या है, इस टी का मतलब है टाइम, ठीक है। तो ये आप लोग को ध्यान देना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यार ये जो टी है इसका मतलब है क्या, टाइम। चलिए फाइंड करें जल्दी से। और ये जो जी है उसका मतलब है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये जो जी है यहाँ पर उसका मतलब है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके कार्तिक, नॉट करेक्ट आंसर। दिस आदित्य, नॉट करेक्ट सर, वो टू पाई का कंसीडर नहीं करना है ना। हाँ, बिकॉज़ टू पाई इज अ नंबर ना, टू इज अ नंबर, पाई इज अ नंबर, पाई इज 3.14, तो पाई इज आल्सो अ नंबर, तो टू और पाई दोनों कंसीडरेबल नहीं होंगे। ओके आर्या, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। आयुष पाटिल, करेक्ट आंसर। यार स्टिल सम स्टूडेंट्स आर राइटिंग द फॉर्मूला ओनली, डोंट राइट द फॉर्मूला, आई नीड द डायमेंशन। या फिर उन लोग को अभी तक डायमेंशन और इसमें डिफरेंस नहीं समझ में आया, फॉर्मूला अलग चीज है, डायमेंशन एक रिप्रेजेंटेशन है। तो हम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो डायमेंशन का ही पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर, तो हम रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे। शिव प्रसाद, नॉट करेक्ट आंसर। आदित्य, नॉट करेक्ट आंसर। ओके सत्यजीत, करेक्ट आंसर। भार्गव, नॉट करेक्ट। नील, नॉट करेक्ट। यार चलें देख लेते हैं, डिस्कस करते हैं, बहुत सारे आंसर्स आ चुके हैं हमारे पास। चलें लेट्स सी, देखें। तो यार एक चीज आपको समझना है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, कि आपको x चाहिए। तो यार 2 पाई को तो पहले भूल जाओ, सबसे पहला काम क्या करना है, 2 पाई को भूल जाओ, क्योंकि 2 पाई तो एक नंबर है ना, आप कुछ भी करो उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब सोचो आपको x चाहिए, तो ये पता है ना सबको कि ये रूट है, x ऐसे नहीं निकलेगा, पहले क्या करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे ऑल साइड्स का।
तो क्या बन जाएगा ये टी स्क्वायर और यहाँ पर बनेगा x बाई जी, तो x इज इक्वल टू क्या होगा g का डिवाइड में ना, जी डिनोमिनेटर में इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो क्या आंसर आएगा x का आंसर आएगा, हमने दोनों साइड का पहले तो स्क्वायर कर लिया है और x इज इक्वल टू आ गया टी स्क्वायर इंटू जी बाई फोर पाई स्क्वायर। मैंने पहले बताया ये 4π लिखने की जरूरत नहीं है, 4π लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज अ कॉन्स्टेंट, तो सिर्फ क्या होगा टी स्क्वायर इंटू जी। अब ये याद होना चाहिए था सब लोग को कि टी मतलब क्या है, टाइम है, तो क्या होगा टाइम का स्क्वायर इंटू जी, ठीक है। एल का बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि मतलब टी वाले में एल और एम तो है ही नहीं ना, टी में एल जीरो एम जीरो है, सिर्फ क्या है टी स्क्वायर है। अब बात करते हैं जी, तो जी तो एक्सेलरेशन है ना, जी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर मीटर मतलब एल और पर मतलब अपॉन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब सेकंड अपॉन में, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा टी पावर माइनस टू बनेगा। अब थोड़ा सबको समझना है क्या क्या ये मल्टीप्लाई डिवाइड आप लोग को आना चाहिए थोड़ा सा, कि मल्टीप्लाई करने में पावर्स क्या होते हैं ऐड होते हैं, मतलब समझें अगर मैंने लिखा हुआ है कहीं एल एल टू दी पावर थ्री, कहीं पे अगर ऐसे लिखा हुआ है एल टू दी पावर थ्री इनटू में कहीं पे इसमें आ गया है क्या, लेट से एल टू दी पावर आ गया है माइनस फोर, तो आपको समझ जाना है कि मल्टीप्लाई करने में पावर्स ऐड होती हैं, तो इस पूरे सेटअप का आंसर क्या आएगा, इस पूरे सेटअप का आंसर आएगा एल टू दी पावर थ्री और माइनस फोर का ऐड करेंगे तो बचेगा कितना माइनस का वन, तो आंसर आएगा एल टू दी पावर माइनस वन। तो यहाँ पे कितना था टी स्क्वायर था और टी माइनस टू था, तो टू और माइनस टू ऐड होंगे तो जीरो, तो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर है सिर्फ क्या एल, एम भी जीरो है और टी भी जीरो है। तो काफी सारे स्टूडेंट ने आंसर किया था कि सिर्फ आंसर उनका आया था क्या एल। तो टिल नाउ अगर किसी को कुछ डाउट है तो बता दे यार, किसी को कुछ पर्टिकुलर डाउट है तो अभी बता दे। डन, किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग अच्छे से आंसर करें, ट्राई करें थोड़ा सा थॉट देने का अच्छे से और फिर आंसर करें। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डायमेंशन ऑफ एस, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ये नहीं जानते हैं कि ये फॉर्मूला क्या है, तो आपको टेंशन नहीं लेना, जितने अननोन फॉर्मूले हैं वो आपको क्वेश्चन में लिख के देगा, तो क्वेश्चन में देगा कि द फॉर्मूला इज दिस वन, नाउ फाइंड द डायमेंशन ऑफ एस। तो एम तो सबको पता है, ये जो डेल्टा टी है ये समझना है, ये इस बार टाइम नहीं है, ये डेल्टा टी इस बार क्या है टाइम नहीं है, ये टेम्परेचर होता है, तो ये जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला है, ये हीट का फॉर्मूला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये जो डेल्टा टी है वो किसका फॉर्मूला है, ये है टेम्परेचर का, ठीक है। ओके, बट कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार ये क्यू क्या है, तो ये क्यू को भी अगर हम बता दें कि ये क्यू क्या है, तो ये क्यू मतलब चार्ज नहीं है, यहाँ पर क्यू मतलब होता है हीट, क्योंकि ये फॉर्मूला किसका है हीट का है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये फॉर्मूला किस चीज का है, हीट का है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये क्यू मतलब क्या है हीट है, ठीक है। तो फाइंड करें जल्दी से एस की डायमेंशन फाइंड करें, टेम्परेचर की डायमेंशन आप के भी लिख सकते हैं थीटा भी लिख सकते हैं। अच्छा, यूजुअली बिकॉज एचएससी बोर्ड में थीटा यूज किया हुआ है तो आप थीटा भी लिख सकते हैं, बट अभी बिकॉज चैट में आपको मैसेज करना है तो आप के यूज करें, नो प्रॉब्लम, के यूज करेंगे सब लोग।
वेरी गुड. आदित्य करेक्ट आंसर. आयुष पाटिल करेक्ट आंसर. वेरी गुड. आर्यन नॉट करेक्ट आंसर. ओके सो क्वेश्चन. अच्छा एक चीज है, ये एस है क्या? तो देखें, ये हमें पता है कि ये फॉर्मूला क्या है, हीट का फॉर्मूला है. वेयर क्यू मींस हीट, एम इज मास, और जो ये जो हमारा एस है उसको हम बोलते हैं बेटा स्पेसिफिक हीट. तो अगर हम बात करें कि यार ये एस हमारा क्या है, तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ओके, बहुत सारे स्टूडेंट करेक्ट आंसर दे रहे हैं. आयुष पाटिल नाउ करेक्ट आंसर. एग्जैक्ट. विश्वराज नॉट करेक्ट यार. समर्थ वेरी गुड करेक्ट आंसर. समरजीत नॉट करेक्ट आंसर. श्रीजीत ओके करेक्ट आंसर. यार बहुत सारे लोग ये डिवाइड बाई के लिख दे रहे हैं यार, इस तरह नहीं लिखते हैं. मैंने बताया कि डायमेंशन एक लाइन में होनी चाहिए, अपॉन की चीज को आपको ऊपर लिखना है. शिव प्रसाद करेक्ट आंसर. ओके वेरी गुड. चले तो डिस्कस करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सॉल्व कर दिया है. ओके तो हम भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या रहेगा. ठीक है आदित्य करेक्ट आंसर. ठीक है ओके चले देखें. तो यार फॉर्मूले पे फोकस करेंगे कि ये जो एस है क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, बन जाएगा क्यू, और ये जो इनटू में चीज है वो जाएंगे डिवाइड में. अब कुछ लोग ढूंढ रहे होंगे कि अरे सर क्यू का डायमेंशन क्या हो जाएगा. तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि क्यू हीट एक टाइप की एनर्जी है, तो इसकी डायमेंशन क्या रहेगी, जो एनर्जी की रहेगी. अच्छा कुछ लोग को एनर्जी का याद नहीं होगा कि यार एनर्जी की डायमेंशन क्या थी, तो बता दूं एनर्जी मतलब कोई भी एनर्जी चलेगी. तो एनर्जी बेस्ट है आप फोर्स से, वर्क से याद रखें कि फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये क्या हो जाता है वर्क. और वर्क का सबको याद होगा, मतलब याद रखना ही चाहिए, वर्क का होता है एम एल टी माइनस टू, और हमने एक और एल का मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू. तो अगर हीट का आपका सही है तो काम बन जाएगा. डिवाइड बाई क्या है, मास, और डिवाइड बाई डेल्टा टी मतलब थीटा, यहाँ पे आप लोग के लिखेंगे. तो m कैंसिल आउट हो गया, तो m तो हट गया, m पावर जीरो होगा. ठीक है l पे देख लें, l का आंसर क्या होगा, टू. तो ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है. करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा l स्क्वायर, m जीरो रहेगा, m जीरो l स्क्वायर t माइनस टू, और थीटा मतलब k माइनस वन. कुछ लोग अपॉन k लिख के दे रहे थे आंसर में, डायमेंशन इस तरीके से नहीं लिखते, डायमेंशन हमेशा वन लाइन में लिखते हैं. सो आंसर होगा क्या, m तो नहीं रहेगा, m जीरो रहेगा, लिखने की भी जरूरत नहीं है. l टू टी माइनस टू के माइनस वन और थीटा माइनस वन, के या थीटा कुछ भी यूज कर सकते हैं. तो थोड़ा सा यार ये चीज आपको देखना है, ये डिवाइड और ये सिनेरियो आपको समझना है, बेटर रहेगा आपके लिए. ठीक है तो इस चीज को थोड़ा सा देखें और समझें. अभी मुझे लग रहा है अब आप लोग को डायमेंशन थोड़ा सा आ जाना चाहिए, चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स कुछ भी लिखते थे, अब आप लोग को डायमेंशन लिखना तो एटलीस्ट आना चाहिए, शुरू हो जाना चाहिए. ठीक है चले तो देखते हैं. ये क्वेश्चन मैं मान रहा हूं कि सबको आ गया, थोड़ा सा ध्यान दो यार. अच्छा एक चीज और कि ये लेक्चर मैं ऑफ कोर्स ग्रुप पे डाल दूंगा, इसका वीडियो लिंक, आप लोग एक बार रिव्यू कर ले. किसी को कुछ भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल पे डाउट पूछ सकते हैं, जो भी आप पूछ सकते हैं. लेकिन बिकॉज ये एकदम स्टार्टिंग चैप्टर है, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, थोड़ी सी कैलकुलेशंस है, तो आपको उस चीज की प्रैक्टिस कर लेना है जिससे आप लोग का बेसिक एकदम स्टार्ट रहे कि कैलकुलेशन कैसे रखनी है. ठीक है चले तो नेक्स्ट एक मैंने फॉर्मूला, अच्छा ये सारे फॉर्मूले आप लोग को पढ़ने हैं बाद में, अभी नहीं, अभी तो मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से करना है सॉल्विंग. तो यहाँ पर लेट से मैंने एक रैंडम सा फॉर्मूला दिया हुआ है और आपको पूछा हुआ है फाइंड द डायमेंशन ऑफ दिस. ठीक है ये जो लेटर है आपको देखने में x टाइप का लग रहा होगा, बट ये x भी नहीं है और ये n भी नहीं है. जैसे स्मॉल लेटर का n बनाते हैं ना इस तरीके का,
तो ये एन भी नहीं है, आप बोल सकते हो ये स्टाइलिश टाइप का एन है, ग्रीक लेटर है, ये एन कुछ इस टाइप का होता है, ये इसका सही तरीका है। तो इस एन को बोलते हैं क्या, ईटा, इसको बोलते हैं ईटा, ठीक है। खैर अभी इन सब चीजों का इतना ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है कि ये ईटा कौन है, कहाँ से आया, जब हम चैप्टर्स में जाएंगे तो उस चैप्टर में जब हम ये फॉर्मूला पढ़ेंगे तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमारा सिर्फ टारगेट है डायमेंशन फाइंड, तो आपको ईटा का डायमेंशन फाइंड करना है, जहाँ पे एफ क्या है, फोर्स। अब आपको चाहिए ये, तो ये क्या है बेटा, डेल्टा वी क्या है, स्पीड, और डेल्टा एल क्या है, डिस्टेंस, लेंथ, और ये क्या है, ये आप जानते हैं, ये है एरिया, ठीक है। तो फाइंड करें सबकी डायमेंशंस, ठीक है। तो ये ए एरिया है, ये वी की बात करें तो वी है वेलोसिटी और स्पीड, ठीक है। और इसके बाद ये जो L है वो लेंथ है। सो आपको ईटा बताना है, ईटा की डायमेंशन क्या होगी। श्रीजीत नॉट करेक्ट आंसर, आंसर आने लग गए बट नॉट क्वाइट करेक्ट, थोड़ा सा ध्यान देना। अच्छा ये डेल्टा का मीनिंग समझे, फिजिक्स में डेल्टा का मीनिंग क्या है, नथिंग, चेंज, इट इज जस्ट द चेंज। चेंज में यूनिट कभी चेंज नहीं होता, ठीक है, डायमेंशन और वो चेंज नहीं होता। नील नॉट करेक्ट आंसर, आदित्य, ओके आदित्य वेरी गुड, करेक्ट आंसर, फर्स्ट करेक्ट आंसर आदित्य, वेरी गुड। देन वी हैव विश्वजीत, विश्वराज, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। समरजीत नॉट करेक्ट, ओके कार्तिक, करेक्ट आंसर। यशराज करेक्ट आंसर। श्रीजीत स्टिल नॉट करेक्ट, अनीश करेक्ट आंसर, तनिष्क करेक्ट आंसर, ओके बहुत सारे करेक्ट आंसर आने लग गए, वेरी गुड। चले देख लेते हैं फिर हम, काफी सारे स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर दिए, वेरी गुड, ठीक है। चले सुनते हैं यार, सेटअप देखते हैं, बहुत ही सिंपल है, ऐसा कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेटअप नहीं है, थोड़ा सा आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है, ठीक है। चले तो देखिए, अगर मैं फॉर्मूले वाइज देखूं कि ईटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो ये जो लेंथ है ये मल्टीप्लाई में होगी, तो बनेगा फोर्स इंटू लेंथ अपॉन क्या रहेगा, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो अब देखना, मैं सबकी डायमेंशन देख रहा हूँ, पहले डायमेंशन लिखेंगे फोर्स की, फोर्स की डायमेंशन क्या है, एम वन एल वन टी माइनस टू, तो ये लिखी हमने फोर्स की डायमेंशन। फिर है लेंथ, लेंथ मल्टीप्लाई में होगा तो हमने लिखी लेंथ की डायमेंशन, डन। अपॉन, अपॉन में कौन जाएगा, एरिया जाएगा और स्पीड जाएगा, तो एरिया का डायमेंशन यार याद होना चाहिए, लेंथ इनटू विड्थ होता है एरिया का यूनिट, मतलब एरिया का डायमेंशन क्या होगा, एल स्क्वायर। फिर बात करते हैं स्पीड, तो अभी आज ही बताया था ना स्पीड क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और मीटर मतलब क्या, लेंथ पर सेकेंड, अपॉन में है ना सेकेंड, तो पावर ऊपर जाएगा तो माइनस वन,
तो स्पीड की डायमेंशन क्या बनती है, एल टी माइनस वन। डन। तो अब देखें, तो एक टी का माइनस वन और इससे एक माइनस वन कट हो जाएगा, तो ये माइनस टू वाले के पास सिर्फ माइनस वन बचेगा। यहाँ पे देखो एल और एल कैंसिल आउट हो गया, ये जो एल स्क्वायर है एक एल और कट करेगा, तो नीचे बचेगा ना एल, मतलब ऊपर जाएगा तो एल भी माइनस वन। ठीक है, तो अगर टोटल मैंने सॉल्व किया मल्टीप्लाई करके तो आंसर आ जाता है फाइनली कि एम पे वन, एल माइनस वन एंड टी माइनस वन। तो फाइनल कंडीशन आ जाती है, यूनिट आ जाती है एम वन, एल माइनस वन, टी माइनस वन। काफी सारे स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर दिए। ठीक है, चले तो यहां तक यार आज फिजिक्स में हमने दो स्टेप्स देख लिए हैं डायमेंशन के। मैं फिर से सबको रिकॉल कराने का ट्राई करता हूँ, सुनेंगे सब लोग। सबसे पहले मैंने देखा फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में। ठीक है, देखें सबसे पहले हमने देखा कि यार ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है इनकी डायमेंशन क्या है, और वो रट जानी चाहिए, बहुत ही फ्रिक्वेंट, बहुत ही जल्दी आपको यूज में आनी चाहिए। क्या है उनकी क्वांटिटीज में, यार मास की डायमेंशन थी एम, बहुत ही तेजी से, मतलब कहीं पे भी यूनिट में केजी दिख जाए मतलब कैपिटल एम है उसकी डायमेंशन। फिर लेंथ, तो कहीं पे भी मीटर दिख जाए यूनिट में तो तुरंत उसकी डायमेंशन हो गई एल। और सेकंड एस, ये टाइम का यूनिट है तो उसकी डायमेंशन हो जाएगी टी। हम इन डायमेंशन पे बात किए। फिर हमने वैल्यू बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड हमने एक तरीका देखा, जो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, जैसे मैं टारगेट कर रहा हूँ बेटा स्पीड को, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है मीटर पर सेकेंड, मतलब मीटर मतलब एल और अपॉन सेकेंड मतलब टी। ठीक है, तो ये जो टी ऊपर जाएगा तो टी टू द पावर माइनस वन बनेगा, तो इसकी डायमेंशन रहेगी एल और टी पावर माइनस वन। ठीक है, अच्छा बोलने में ये पावर वर्ड बार बार नहीं बोलते, तो हम डायरेक्टली पावर वर्ड यूज कर सकते हैं। कैसे, मतलब जैसे सपोज एल स्क्वायर है, तो एल स्क्वायर बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ बोल दो आप एल टू। ठीक है, तो एल टू का मतलब वही कंसिडरेबल है कि एल का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने सबकी डायमेंशन देखी। फिर हमने नया सेटअप देखा क्या, फॉर्मूला बेस्ड। नंबर वन की कुछ फॉर्मूला लिखा है, उससे आप फाइंड करके बता दें। ठीक, अच्छा अब बात करते हैं कि थोड़ा सा बड़ी प्रॉब्लम। सोचो फॉर्मूले की जगह हमें क्या दे दे, इक्वेशन दे दे। अब आप सोचोगे सर फॉर्मूला और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, तो फॉर्मूला होता है वन स्टेप, मतलब एफ इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला। और इक्वेशन किसी बोलते हैं जिसमें ज्यादा टर्म होते हैं, मतलब सपोज लिखा हुआ है एक्स इज इक्वल टू, या कहीं पे ऐसे एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है सम ए इंटू बी, ठीक है, प्लस लिखा हुआ है सम सी डिवाइडेड बाई डी, ऐसा। तो अब ये क्या हो गई, ये एक इक्वेशन हो गई। तो अगर आप सोचो कि इक्वेशन में फाइंड कर लो तो आपको टफ पड़ जाएगा। कैसे, लेट से मैंने बोला सी बताना है आपको, तो आपको सी बताना था, तो आपने सी के लिए क्या किया होगा, ये जो ए इंटू बी हेड में ये इधर माइनस में जाएगा, और ये जो डिवाइड में ये इंटू में जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक्स माइनस ए इंटू बी ये वैल्यू, और बाद में इस पूरे के मल्टीप्लाई में क्या आएगा, इस पूरे में एक्स माइनस ए बी जो है इस पूरे के मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपका डी। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बनने लग गई। ठीक है, तो जब भी कभी इक्वेशन दिए होगा तो आपको इस तरीके से कॉम्प्लेक्स तरीके से नहीं करना है। अब हम चलेंगे कि अगर इक्वेशन दिए होगी फिजिक्स में तो किस तरीके से हमें लॉजिक लगाना है। ठीक है, तो चलते हैं हम उस सिनेरियो में, अगर हमें इक्वेशन दी है तो हम कैसे लॉजिक लगाएंगे, समझेंगे। ठीक है, सब लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट सिनेरियो है कि अगर हमें एक इक्वेशन दी है तो हम डायमेंशन कैसे सर्च करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम बहुत ही कॉमन सेंस का यूज करते हैं। क्या, सपोज मैंने आपको फिजिक्स में दिया एक वैल्यू है 5 मीटर, और आपको उसे ऐड करना है 10 मीटर के साथ, तो आंसर क्या आएगा, क्या 15 मीटर इंटू मीटर आ जाएगा क्या, नहीं भाई, 5 मीटर और 10 मीटर ऐड करोगे तो आंसर तो 15 मीटर ही आएगा ना, या फिर आप 10 मीटर से 2 मीटर माइनस करोगे तो आंसर 8 मीटर आएगा। मतलब मैं इस चीज को पूरा लिख के ही समझा देता हूँ आपको, ये चीज थोड़ी सी आपको बैठ जानी चाहिए दिमाग में, कि आपने 10 मीटर माइनस 2 मीटर किया तो यार आंसर जो होगा वो 8 मीटर मीटर थोड़े ना आ जाएगा, क्लियर, या फिर ऐसा थोड़े ना होगा कि मीटर मीटर कैंसिल होकर क्या आ जाए, 0 आ जाए, ऐसा नहीं हो जाएगा, क्या रहेगा आंसर, अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर हमारे पास रहेगा 8 मीटर। डन। तो इसका मतलब ये है कि जब हम किसी चीज को ऐड करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ढंग से देखेंगे, जब हम किसी फॉर्मूले में ऐड यूज करते हैं,
सब्ट्रैक्ट यूज करते हैं या फिर इक्वल यूज करते हैं, उन सब का मतलब होता है सेम यूनिट। मतलब जब आपने 10 को, ये जो 10 यहाँ पे दिया हुआ है, इस 10 को और 20 को, इन दोनों को आपने यूज किया, तो इन दोनों की डायमेंशन क्या होंगी? सेम। और जो इक्वल में आंसर आएगा वो भी डायमेंशन क्या होगी? सेम। ठीक है, तो चले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कहने का मतलब क्या था। कहने का मतलब है, सपोज मैंने एक इक्वेशन ली, आप लोग को पता होगा इट इज कॉल्ड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या इक्वेशन है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, बट अब मैंने आपको इक्वेशन में ए की जगह लिख दिया क्या? एक्स। तो इक्वेशन बन गई एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर। और अब क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ एक्स। तो जिन लोगों को याद है उन लोग को पता चल जाएगा, सर एक्स तो एक्सेलरेशन जैसा होगा, तो एक्स का आंसर क्या आ जाएगा बेटा? एक्सेलरेशन का आंसर क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर मतलब एल, अपॉन में सेकंड स्क्वायर मतलब टी का स्क्वायर, बट अपॉन में है तो ऊपर जाएगा तो क्या आएगा? एल टी माइनस टू। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? एल टी माइनस टू एक्स का यूनिट होगा। ठीक है, ओके, आंसर करके तुरंत म्यूट कर लिया करें, जो भी स्टूडेंट आंसर करते हैं डाउट पूछते हैं तुरंत म्यूट कर लें, बिकॉज लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं हम, तो फिर अदर माइक नॉइज फिर प्रॉब्लम कर सकते हैं। चले, तो अब मैं फिर से बता रहा हूँ कि इक्वेशन को लेके सेंटिमेंटल नहीं होना है कि सर ये चीजें क्या है, सेंटिमेंटल नहीं होना है, बहुत ही प्रॉपरली कर देना है। क्या कि अगर मैं देखूं तो यूटी एक टर्म है, टर्म मतलब क्या होता है, बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो यू इंटू टी एक टर्म है, और हाफ ए एक्स टी स्क्वायर भी एक टर्म है, और ये दोनों टर्म बीच में किस सिंबल से यूज हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। और फिजिक्स में मैंने बताया कि अगर दो चीजें ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो उनके यूनिट क्या होने चाहिए? सेम। इसका मतलब मैथमेटिकली टर्म वन और टर्म टू इन दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए? सेम। तो मतलब मेथड वन में हमने तुरंत किया कि यार यू टी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? हाफ एक्स टी स्क्वायर। अब कुछ लोग सोचेंगे अरे सर ये कैसे हो गया, ये पॉसिबल नहीं है, इक्वल कैसे लिख दिया? तो बेटा इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ इक्वल है। किस फॉर्मेट में? डायमेंशनली इक्वल है। तो मैं जो ये सेटअप बोल रहा हूँ कि यार ये इक्वल नहीं है, बट कब इक्वल है? डायमेंशनली। तो ये ध्यान दे कि मैं जो ये सेटअप बोल रहा हूँ कि यार ये इक्वल होंगे, ये सिर्फ वर्ड यूज होगा क्या, ये लोग डायमेंशनली इक्वल होंगे। ठीक है, ऐसे हर जगह पे इक्वल नहीं कर देना है इनको। डन, तो देख लेते हैं फिर से। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान देंगे कि डायमेंशनली ये दोनों इक्वल होंगे। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्विंग सबको पता ही है कि इक्वेशन अगर आपको पता चल गई मतलब तो आप कर लेंगे। देखें क्या होगा, एक टी कैंसिल आउट होगा, सबको समझ में आया, एक टी कैंसिल आउट होगा। क्या इस हाफ का कोई यूनिट होता है क्या? नहीं। तो देखो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एक टी कैंसिल आउट, सिर्फ डिवाइड में क्या बनेगा, एक टी बचेगा। ठीक है, और यू क्या है, यू मतलब होता है स्पीड, तो स्पीड का डायमेंशन क्या है, एल टी माइनस वन। मैंने पहले भी बताया स्पीड मतलब तुरंत सोचेंगे, स्पीड मतलब दिमाग में जाएगा यूनिट मीटर पर सेकंड, मीटर मतलब एल, लेंथ पर मतलब अपॉन, सेकंड मतलब टी टाइम, तो एल टी माइनस वन। ये हो जाएगा यू का यूनिट और टी का यूनिट और टी स्क्वायर का यूनिट। पहले ही कट कर सकते थे बट लेट से बाद में पूरा लिख के कट किया, तो टी टी कैंसिल आउट हुआ। सोचने वाली बात है कि नीचे एक टी बचा हुआ है ना, वो जब ऊपर जाएगा तो माइनस की पावर बनेगी ना, ध्यान देना है, नीचे टी पावर वन बचा। ये देखें, ये सब लोग देखें, कुछ लोग ये कैलकुलेशन एरर कर देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कैलकुलेशन एरर करते हैं। सोचेंगे कि नीचे टी पावर वन है, जब ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या बन जाएगी, माइनस वन, और मैंने बताया कि सेम वाली पावर एड हो जाती है, तो टी माइनस वन और टी माइनस वन, तो बचेगा कितना, टी माइनस टू। ये हुआ एक मेथड। अब एग्जाम में क्या करना है बेटा, एग्जाम में तो स्मार्टनेस काम आती है, मतलब सही चीज को ही कंपेयर करना है तुरंत। ठीक है, देखें, तो मैंने बताया कि जब दो चीजों को आप ऐड करोगे तो उनकी डायमेंशन सेम होगी, सही है, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो सही सेम होगी, अगर जो आंसर आएगा वो भी तो डायमेंशन सेम होगी ना, मतलब
अगर यहाँ पे आंसर 8 आया है तो 8 का डायमेंशन 2 के भी इक्वल है और 8 का डायमेंशन 10 के भी इक्वल है, क्योंकि उन्हीं दोनों से वो डायमेंशन आया है। तो इसका मतलब ये है कि आप मैथमेटिकली नहीं बोल दोगे कि नहीं s is equal to ut, मैथ में तो पूरी इक्वेशन होगी, बट आप डायमेंशनली बोल सकते हो कि डायमेंशनली जो s है वो ut के भी इक्वल होगा और हाफ xt स्क्वायर के भी इक्वल होगा। ठीक है, तो आप डायमेंशनली ये चीजें बोल सकते हो। तो आप सॉल्व कर दो, क्या हाफ की तो कोई यूनिट नहीं होगी, x is equal to क्या आ जाएगा, s अपॉन t स्क्वायर, और s मतलब क्या, डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, तो s मतलब उसका यूनिट है लेंथ, ठीक है, और t मतलब टाइम, टाइम का स्क्वायर नीचे, तो वैल्यू ऊपर जाएगी -2 हो जाएगी। तो देख रहे हो मेथड 2 से कितनी जल्दी आ गया। तो एग्जाम में सोचना पड़ेगा कि आपको किसे इक्वेट कराना है, अगर आपने सही चीज इक्वेट कराई तो आंसर तुरंत आ जाएगा। तो क्या इसमें किसी को डाउट है, क्या ये जो मैंने अभी समझाया इसमें किसी को डाउट है, पूछ सकता है कि इक्वेशन में कैसे निकालते हैं, क्योंकि मैं अब एग्जांपल देने वाला हूं। पूछे सर, लॉजिकली वी कैन टेल दैट a इज वैल्यू इज दैट ओनली, या लॉजिकली यू कैन टेल कि a इज एक्सेलरेशन, ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज इफ यू डोंट नो द इक्वेशन, सपोज यू हैव बीन गिवन अ रैंडम इक्वेशन, देन व्हाट यू विल डू, so the best thing is you target certain terms, I wrote here, I've written what, term, ठीक है, so you target certain terms which are being added or subtracted, so in a equation first target add subtract, clear, so which those terms which are added they will have same dimension, clear, तो यहाँ पर मैंने पहले target किया क्या कि ut is being added with half x t square, so ut and half xt square will have same dimension. फिर मैंने अपने logic को और expand करना चाहा, क्या? कि if there is an equal sign, तो इसका मतलब ये कि इन दोनों को add करके यही तो answer आएगा ना, तो इसका मतलब इसकी dimension भी क्या हो जाएगी, s के जैसे होगी, so I have compared half kx, half xt square with s, ठीक है, किसी और को कुछ doubt यहाँ पर? Thank you sir. Okay, चले, so we'll proceed to the next question. Next question सब लोग को answer करना है, line wise proper answer करना है, ठीक है? So चले देख लेते हैं next question. चलो, तो सब लोग देखेंगे, यहाँ पर सब लोग notice करें, find the dimension of c and d. Question क्या है? Find the dimension of c and d in this equation. So सबको ये equation दिख रही है? ये क्वेश्चन क्लियर है, इसमें आपको डायमेंशन बताना है। तब सोचो ए और टी क्या है, तो ए और टी गिवन है कि ए क्या है, एक्सेलरेशन है, ठीक है, सो ए आपको गिवन है कि ए एक्सेलरेशन है, तो आपको टी क्या है, टाइम, तो सी और डी की डायमेंशन बतानी है, जल्दी से बताएं मुझे सी और डी की डायमेंशन। वेरी गुड विश्वराज, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। प्रणय करेक्ट आंसर, कार्तिक वेरी गुड करेक्ट आंसर, नहीं कार्तिक सॉरी इनकरेक्ट आंसर। समर्थ करेक्ट आंसर, यशराज करेक्ट आंसर, पूर्वा नॉट करेक्ट आंसर, प्लीज रीचेक। ध्रुव करेक्ट आंसर, गुड। ओके आदित्य करेक्ट आंसर, आयुष करेक्ट आंसर, श्रीजीत नॉट करेक्ट, जिया नॉट करेक्ट,
आदित्य नॉट करेक्ट, स्टिल नॉट करेक्ट, प्रणय करेक्ट आंसर, चले तो ओके ठीक है। यशिता नॉट करेक्ट, पूर्वा स्टिल नॉट करेक्ट, ओके लेट्स सी। चलो हम देखते हैं यार, फिर से देखते हैं, पहले मैं प्रीवियस क्वेश्चन देखता हूँ फिर आप लोग को फिर से बताता हूँ। ओके तो मैं जो आंसर देख रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स के आंसर देख रहा हूँ, आंसर देख के साफ समझ में आ रहा है कि आप लोग को कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आप लोग कैलकुलेशन एरर कर रहे हो यार। तो कैलकुलेशन एरर मैं थोड़ा सा चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ, अभी आप लोग समझो यार। बार बार इट्स बेटर कि आप बार बार कैलकुलेशन एरर नहीं करें, ठीक है। तो मैं कैलकुलेशन एरर के लिए फिर से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। क्या सपोज एक नंबर है एल, ठीक है, और एल अगर ऊपर है, पावर है एल टू, ठीक है, और अपॉन में है लेट से टी, अपॉन में है टी टू, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नीचे की पावर है ऊपर आएगी तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव लिखेंगे ना। मतलब इस चीज को हम क्या लिखेंगे, इस चीज को हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से, इस चीज को लिख सकते हैं क्या, एल स्क्वायर और टी माइनस टू, ठीक है। तो ये जो सेटअप होगा हमारा, ये हम अलग अलग लिख सकते हैं दोनों को साथ में एज अ डायमेंशन, इसको लिख सकते हैं एल टी, और ये जो नीचे पावर था वो ऊपर आके क्या बन जाता है, नेगेटिव का पावर, ठीक है। तो ये समझना है आपको। अब पावर अगर दो चीजों की पावर मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब लेट से लिखा हुआ है कहीं पे टी, लिखा हुआ है टी टू दी पावर माइनस वन, डन, आपने इंटू कराया इसमें कुछ, इंटू कराया टी टू दी पावर लेट से माइनस टू का, तो सिंपल सी बात है यार, समझना है कि मल्टीप्लाई करने में पावर एड अप होंगी, मतलब आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा टी टू दी पावर माइनस थ्री। सो आंसर आपको ध्यान देना है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए आंसर आएगा टी टू दी पावर माइनस थ्री। चले तो अब इस क्वेश्चन में हम देख लेते हैं कि कैसे इसे करना था, समझे। मैंने क्वेश्चन बताया कि आपको पहले देखना है विच टर्म्स आर बीइंग एडेड, तो देखो फोकस करना, दिस सी इनटू टी इज अ टर्म, एंड बिकॉज देखो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में डायमेंशन बदलती है, एड सब्ट्रैक्ट में नहीं बदलती, तो दिस डी इनटू टी स्क्वायर ये भी एक टर्म है। इन दोनों को मैंने क्या किया है, फोकस करें, मैंने ऐड किया है, मतलब इन दोनों की डायमेंशन सेम है। अब कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल करा देंगे, तो जब आप सी और डी को इक्वल कराओगे तो एक ही क्वेश्चन में दो अननोन हो जाएंगे ना बेटा। अगर आपने सी टी इज इक्वल टू डी टी स्क्वायर, जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने किया था मेथड वन, अगर आपने इस क्वेश्चन में मेथड वन लगा दिया, मतलब सी और डी को इक्वल किया, तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे आंसर, आप यहाँ पर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि सी भी नहीं पता और डी भी नहीं पता, एक इक्वेशन से दो नहीं आते। बट अगर आप ये टारगेट करें जो मैंने यहाँ पर फिगर लिखा था, यहाँ पर मैंने वैल्यू लिखी थी आप लोग के लिए, क्या कि जब मैं दो चीजों को ऐड या सबट्रैक्ट करूंगा, सपोज 10 मीटर एंड 2 मीटर, तो जो उनका आंसर आने वाला है वो भी मीटर में ही आएगा, सो आई कैन इक्वेट दिस विद एनी ऑफ दिस टर्म, क्लियर। तो देखो मेथड टू बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने बताया, क्या कि आप किसी भी वैल्यू को इक्वल वाले के साथ इक्वेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि जब आपको सी चाहिए तो आप सी को ए के साथ इक्वेट करो, जब आपको डी चाहिए तो आप ये वाले टर्म को ए के साथ इक्वल करो, क्यों, बिकॉज ऐड करने के बाद आंसर भी तो सेम यूनिट का आएगा ना। तो आंसर क्या हो गया, ए को हमने इक्वल किया सी इंटू टी का, तो सी की डायमेंशन क्या आ गई, ए बाई टी। अब यार ए की डायमेंशन लिख लो, ए की डायमेंशन में तो एम जीरो होगा, एम रहेगा ही नहीं, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना। आज देखो यार, ये लेक्चर होने के बाद मैं चाहता हूँ सब लोग अच्छे से याद कर लेंगे, सब लोग याद करके लेंगे यूनिट्स, ठीक है, यूनिट्स। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब लेंथ और सेकंड कितना होगा, टी माइनस टू, क्लियर। अच्छा अपॉन टाइम है, मतलब टी पे पावर वन। अब मैं यही समझा रहा था कि अभी ये टी पे पावर वन है, So, अभी अगर मैं बात कर रहा था कि ये t पावर 1 है, बट जब ये t ऊपर जाएगा यहां पर मल्टीप्लाई के लिए, तो ये पावर नेगेटिव हो जाएगी ना, तो ये t पावर माइनस 1 बन जाएगा। अभी देखो समझाया है कि जब हम इनटू में नेगेटिव पावर या कोई सी भी पावर अगर इनटू कराएंगे
तो पावर को ऐड करना होता है। तो बेटा माइनस वन और माइनस टू को ऐड करेंगे तो माइनस थ्री आएगा ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, एम जीरो एल टी माइनस थ्री। तो सबको ध्यान देना है कि क्या वैल्यू हो जाएगी, टी माइनस थ्री। ठीक है, अब डी की बात करें तो अब डी के लिए फिर हमने क्या किया, इस टर्म को उठा के ए के साथ इक्वेट करा दिया, तो फिर वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू आ गई कि ए को हमने डी टी स्क्वायर के साथ इक्वेट करा दिया। ठीक है, तो इसका मतलब डी की वैल्यू क्या आ गई, फिर यहां से डी की वैल्यू आ जाएगी ए डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। ठीक है, और अभी अभी हमने देखा ए एक्सेलरेशन है, इसकी वैल्यू क्या होती है, एल एम जीरो टी माइनस टू, और नीचे क्या है, टाइम, टाइम का स्क्वायर टी स्क्वायर। अब फिर से ये टी जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस टू। क्लियर, तो ये टी बन जाएगा क्या, माइनस टू। तो टोटल माइनस टू और माइनस टू एड करने, सॉरी मल्टीप्लाई करने में पावर क्या हो जाती है, एड अप हो जाती है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, पावर एड होके माइनस टू और माइनस टू कितना बन गए होंगे, माइनस फोर बन गए होंगे। ठीक है, तो डी का हमें यहाँ पे डायमेंशन आ गया। तो काफी सारे स्टूडेंट्स का करेक्ट था, काफी बढ़िया है, ओके। तो अभी मैं बता रहा हूं, अभी ट्राई ये करना है, सब लोग को ध्यान दे थोड़ा सा कि सब लोग को मैं बोल रहा हूं कि अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी किसी को कोई भी डाउट है तो डाउट पूछ लें और ये लेक्चर एक बार जरूर रिकॉल कर लें। ठीक है, इसको एक बार आप लोग रिकॉल कर लें और पूरा मैं वीडियो इसका एक डाल ही दूंगा, तो आप एक बार देख लें जिनको डायमेंशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, और जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कि मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करना है, वो थोड़ा सा एक बार इस चीज को प्रैक्टिस करें। अगर कुछ भी डाउट आता है तो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी को कुछ और डाउट है तो बताएं, अदरवाइज हम आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, टिल नाउ किसी को कुछ डाउट है क्या, नहीं, देन आई विल क्लोज दिस मीटिंग टुडे। नो सर। ओके ओके, देन गुड बाय एवरीवन। यस सर। ओके, गुड बाय सर। ओके, गुड बाय।